लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्जी और आलू डाल के कैसे बनती है। ये अलग तरीके से बनाएंगे हम, नया तरीका है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ लेगा कैसे ये सब्जी बनती है। ये आप लोग दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ता है। इसमें हरी धनिया का पत्ता, तेल, लहसुन, मिर्चा, अदरक, प्याज, तो इसी में से थोड़ा से हम मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा से मैं तड़का लगाने के लिए रख लेते हूँ प्याज। तो आप लोग के पास मिक्सी नहीं है तो आप लोग जिसके पास सिल बट्टा है उस पर पीस सकते हैं। अगर सिल बट्टा भी नहीं है तो आप वैसे भी पिसा हुआ मसाला आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों बाकी इसमें अदरक, लहसुन, प्याज थोड़ी से, तो मिर्चा कूट के हम तड़के में डालेंगे। तो दोस्तों हमने पत्ता गोभी काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो इधर हमने दोस्तों आलू भी काट के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम चलिए आपको सब्जी बना के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें डालते हैं जीरा। दोस्तों हमारा जीरा थोड़ा से चटक गया, इसमें डालेंगे हम अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज। दोस्तों जब तक हमारा तड़का लाल हो रहा तब तक हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। जो दोस्तों इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर अपने हिसाब से, थोड़ा से डालेंगे इसमें काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च हिसाब से थोड़ा से डालेंगे, क्योंकि तीखा हमारे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं तीखा खाना। तो दोस्तों तड़के को अभी गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। दोस्तों कई हमारे ऐसे बहनें हैं, हमारी दीदियाँ भी हैं और हमारे भाई भी हैं, और ऐसे में एक भाई हैं जो ज़्यादा है, हमारी वीडियो देखते हैं, उनका नाम है रामचरण भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो इसे देखते रहना, हमको आगे बढ़ाते रहना। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग भी ऐसे जैसे हमारा भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी इसे सपोर्ट करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। तो दोस्तों बाकी रेसिपी हम अच्छी अच्छी दिखाते रहेंगे, जो हम बनाते हैं घर पर उसको ज़रूर आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों आप देख लीजिएगा नई तरीके सब्जी बना रहे हैं, ये अलग तरीके से बना रहे हैं, इसको आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई मारिएगा। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप वीडियो देखने से पहले आप लाइक कमेंट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप तो भूल जाते होंगे। तो दोस्तों फिर आपको हम सब्जी बना के दिखाते हैं कैसे बनती है। दोस्तों हमने आपको वीडियो बना के उसे वीडियो के तौर से हमने आपको बताया है बना के, कि हमारी खिलौने की दुकान है, आप लोग उसमें देखा ही होगा। तो दोस्तों हमने जब हमको दुकान पे हम चली जाती हूँ, घर पे रहती हूँ, फिर दुकान पे चली जाती हूँ, जब हमको टाइम लगता है तो वीडियो ज़रूर आपको बना के दिखाती हूँ। तो वीडियो में इसे हमेशा हमारे बने रहिएगा, देखते रहिएगा दोस्तों। तो हमको जब टाइम लगेगा तो ज़रूर आपको हर रोज़ वीडियो दिखाएंगे। कभी कभी एक दिन नागा हो जाता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो जब टाइम लगता है ज़रूर बनाती हूँ वीडियो। तो जल्दी दोस्तों हमारा तड़का लाल होगा, इसमें डालते हैं मसाले। थोड़ा सा इसमें दोस्तों हम पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। दोस्तों इसमें हमने हरी धनिया इस वक्त मिल जाती है, हमने थोड़ा से आप लोगों को दिखाया भी है, दुकान है जो वहाँ पर हमारी है, तो दुकान पे हमने थोड़ा सी सब्जी बीजा है, आप लोगों को दिखाया वीडियो में। तो दोस्तों इसलिए धनिया हमारे पास इस वक्त है, बाज़ार से भी लेके आते हैं, आजकल तो बहुत मिल जाती हैं धनिया, तो इसलिए हरी सब्जी हम बनाते हैं, हमको बहुत पसंद रहती है हरी सब्जियाँ। तो हरी हरी बन जाती है, इसको मसाले में पीस लेते हैं हरी धनिया, फिर आप लोगों को पसंद है तो आप पीस लीजिएगा, नहीं तो वैसे भी मसाला डाल के आप बना लीजिएगा। दोस्तों इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको नहीं भी डाल सकते टमाटर, पर हम डाल दें टमाटर, तो दो टमाटर डाल दें इसमें। तो टमाटर डालने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, थोड़ा खट्टापन आ जाता है, नाले
सेहत के लिए भी सही है टमाटर डालना सब्जी में। टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा तो इसमें डालेंगे सब्जियों को। दोस्तों हम इसी में इसी मसाले में नमक डाल देते हैं, पहले तो हमारा टमाटर भी गल जाएगा नमक से। तो दूसरी बात ये है कि ये पत्ता गोभी की सब्जी है तो सूखी सब्जी इसको बनाएंगे तो सब्जी में अच्छे से मसाला के साथ में नमक मिल जाएगा, तो इसीलिए हम पहले से ही नमक डाल देते हैं इसमें। जितना हमको चाहिए नमक स्वाद के हिसाब उतना हम डाल देते हैं इसी में। दोस्तों नमक डाल के इसमें अच्छे से मिला देते हैं, टमाटर भी गल जाएगा सब्जी भी अच्छे से नमक के साथ में पक जाएगी अच्छे से जल्दी, क्योंकि सूखी सब्जी है तो मसाले में अच्छे से नमक मिल जाएगा सब्जी में भी अच्छे से मिल जाएगा। दोस्तों इसमें डालते हैं हम पत्ता गोभी, हमारा मसाला बढ़िया से लाल हो गया है। इसमें डालते हैं आलू। दोस्तों ये खाने में सब्जी बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है खाने में, तो इसको आप पत्ता गोभी तो हर मौसम में मिल जाता है खाने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है सेहत के लिए भी अच्छा होता है हरी सब्जियों, तो आप इसको घर पे जब जी करे बना के खा सकते हैं। चावल के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से हम सब्जियों को डाल के अच्छे चला देते हैं, देख सकते हैं कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, देखने में ही टेस्टी लग रही है, बनने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दोस्तों ये सुबह का टाइम है तो दोस्तों हम सब्जी बना रहे हैं क्योंकि हम छह परिवार हैं तो इसलिए सब्जी एक ही बार में बना लेते हैं बाद में गर्म करके। दोस्तों हम छह मेंबर हैं तो इसलिए हम सब्जी सुबह के टाइम है तो एक ही बार में बना लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम इतना रहता नहीं, हम दुकान पे चली जाती हूँ तो वीडियो बनाना ज़रूरी रहता है, तो इसीलिए सब्जी एक ही टाइम में बना लेती हूँ, बार बार बनाने का हमें टाइम इतना रहता नहीं है, बेटी हमारी स्कूल चली जाती है तो दोस्तों इसलिए सब्जी सुबह बना लेती हूँ, फिर शाम के फिर बनता है बाद में खाना। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी अभी थोड़ी से पकने में टाइम लगेगा 5 मिनट, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो अभी इसको 5 मिनट तक इसको ढक के रख देते हैं फिर अच्छे से पक जाएगी। दोस्तों हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है तो आ जाइए आप लोग खाने के लिए, तो इसको हम चावल रोटी के साथ में सर्व करने जा रही हूँ। दोस्तों इसको चावल रोटी के साथ में सर्व करने जा रही हूँ, खाने के लिए आप लोग आ जाइए। देख लीजिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा अच्छी सब्जी बनाई है मम्मा ने, और हमेशा से ऐसी टेस्टी टेस्टी सब्जी बनाती हैं जो कि खाने में हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार है तो हमने चावल रोटी के साथ सर्व किया इसको, तो दोस्तों हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों तो खाने के लिए आ जाइए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।